दारू पियो भैया, अच्छा अगर आप एक पैग दारू ले रहे हो हाँ उसका 20 गुना आपको पानी मतलब लेना है। अच्छा गीली चादर का जो कंसेप्ट है जी कि हमने अंदर गीली चादर को लिया, उसके ऊपर हमने सूखा डाला, अच्छा इसमें भी अब अलग अलग थेरेपी बन गई। अगर हमने सिर्फ गीले वाले को यूज़ किया वो अलग डिजीज़ के लिए, अगर अच्छा हमने साथ में वो ऊनी को लपेटा वो अलग डिजीज़ में, बहुत हम इलाबरेट करके बता सकते हैं इसको, नहीं लेकिन वो हम मैम कवर कर लेंगे, जैसे भी आपने बताया कि भाई सभी जो पीसीओडी या जितनी भी हाँ फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर बट ये तरीका कर लें हाँ तो एक अचूक काम एक करेगा उनके सिंगल जो लिए। मैं कह रही हूँ, एक सिंगल चीज जो आप कर सकते हैं इसमें, ये जो है लपेट, जो है लपेट आप जरूर करें, नहीं इसका भी प्रोसीजर हम जान रहे थे ना कि जैसे बिल्कुल उन्होंने लगाया तो क्या आप लगा सो के वो गए, कुछ भी काम कर सकते हैं। बिल्कुल आपने सुबह लगा लिया, आप फ्रेश होके आपने उसको लगा लिया, फीमेल का काम मोस्टली सुबह किचन में बीतता है, बिल्कुल वो 2 घंटे किचन में बीत गए आपके, वो गीला का गीला ऐसे लगा वो रहने ऐसे दें। आपको एहसास नहीं हुआ, वो सिर्फ लगाते टाइम आपको लगा कि गीला हमने लगाया, और 10 मिनट अच्छा बाद आप भूल चुके होंगे कि गीला चीज लगाया था कुछ हमने, लगेगा भी नहीं अंदर। कुछ भी नहीं लगेगा। आपने ऊपर से कपड़े डाल लिए, सारे कपड़े हटा के ऊपर के आपने लगा लिए, और ठीक फिर है आपने नीचे सलवार पजामा जो भी अपने कुर्ते अपने डाल लिए, और ठीक आप है भूल चुके होंगे। अब देखिए उसका काम जो है वो अपना काम किस तरह से कर रहा है, और उसमें लिमिटेशंस क्या है ये जानना जरूरी है, क्या करना है वो छोड़िए, क्या नहीं करना है वो सबसे पहले सुनिए, कि जब आपने गीली चादर की लपेट वो ली है, आपने गीली पट्टी ली, जब आपको उस समय पानी भी नहीं पीना है, लगाए लगाए पानी भी नहीं ले सकते, अच्छा और जब आपने उसको रिमूव कर दिया तो आप उसके आधे घंटे के बाद पानी तो ले सकते हैं आप तुरंत, लेकिन अगर सॉलिड खाना खाना चाहें तो कम से कम आधे से पौने घंटे का आप डिफरेंस रखेंगे, उसके बाद ही आप सॉलिड फूड लेंगे। इसकी ये लिमिटेशंस है। तो इसको कोई वो नहीं होता मैम, जैसे लगाया तो मौसम सर्दियों का है या गर्मियों का है, कभी भी लगा सकते हैं इसको या कोई पर्टिकुलर सर्दियों मौसम। में हम थोड़ा सा ये कहते हैं कि हल्का सा पानी को गुनगुना कर लो, ताकि वो जो पहली बार लगते हुए जो वो एहसास होता है ना, बस हाँ वो ठंड नहीं ना हो, लगे, अदरवाइज वो नुकसान नहीं कर रहा। मतलब ठंड नहीं लगेगी कि बिल्कुल सर्दियों नहीं, में हमने लगा के रखा हुआ है देखिए और काम कर रहे हमने हैं। लगाया अंदर गीली, ठीक है पूरा निचोड़ रखा है लेकिन है तो गीला ही ना, हाँ उसके बाद हमने उसको लगाया ऊनी। अब जो है एक इवेपोरेशन की प्रोसेस होगी, इवेपोरेशन होता है। ठीक है, हाँ अंदर से वो क्या कर रहा है, आपने ठंडी लगाई तो ठंडी थी, अच्छा अंदर से वो हीट को ले रहा है, हाँ हाँ बाहर आपने ऊनी रखा है, वो हीट को एस्केप करने से रोक रहा है। अच्छा तो ये जो प्रोसेस है ना, अच्छा आपको जानकर आश्चर्य होगा, अब उस पट्टी को ना तो हम साबुन से सर्फ से धोएंगे, अच्छा क्योंकि वो हम रोज यूज कर रहे हैं, वो आपके स्किन के लिए हानिकारक है, और ना वो पट्टी हम किसी दूसरे को दूसरे रेफ, वो आपकी बिल्कुल नहीं। आपकी हो आपको गई। उसको साफ कैसे करना है, सिंपली आपने पानी गर्म किया, ऊनी वाले को तो धोने की जरूरत नहीं क्योंकि आपके बॉडी को उसने टच नहीं किया टच है, नहीं किया उसको आप धूप में सुखा देंगे, सिंपली डेली धूप में सुखाना है। ठीक है। गीले वाले को गर्म पानी में आपने डुबाया, डीप किया अच्छे से, एक दो बूंद चाहे तो डिटॉल की डाल सकते हैं, अदरवाइज नीम का पानी डाल दीजिए, आप नीम की पत्तियां 2-4 उसी से साफ करके धूप में सिर्फ सुखा के रख दीजिए, कुछ अच्छा नहीं करना है। अब पानी पहले दिन उसका इफेक्ट इतना ज्यादा होगा, क्या क्या इसमें डिफेक्ट जो आज के टॉपिक को देख के करने वाले हैं घर में, उनके लिए मैं बता दूं कि आपको डकार बहुत सारे आएंगे, मतलब बर्प्स बनेंगे, जब लगाया हुआ है तब या बाद में नहीं पूरा दिन, बाद फुल में, डे? फुल बाद में डे। फुल डे अच्छा हेडेक हो सकता है। अच्छा अब इसको साइड इफेक्ट नहीं कहेंगे आप, ये इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर ये सारी चीजें इकट्ठी थी, उसके लगाने से वो अब निकलने की कोशिश कर रहा है। अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ आपको, बहुत सिंपल भाषा में आप समझेंगे, जब कूड़ा घर हमारा होता है, वहाँ हमने कूड़ा डाला, जब कूड़ा डाला हुआ है आप आगे पीछे जाएंगे हल्की सी स्मेल आएगी, जिस दिन उस कूड़े को हटाया जाएगा आप हाँ नहीं गुजर पाएंगे। सही बात है सही बात है। वाह तो यही चीज है वहां कि हमने बॉडी में वो टॉक्सिन में एक न्यूट्रिमेंट जगह देना शुरू बना किया दिया, अब वो जिससे वो टॉक्सिन्स निकलना शुरू हुआ, अब तो उसको रास्ता चाहिए कहीं रास्ता कहीं चाहिए, कहीं कहीं तो वो कैसे। अगर एसिड है तो वो निकल रहा है डकार के फॉर्म में, या वो अगर डकार के फॉर्म में नहीं निकल रहा है तो वो हीट कर रहा है आपके ऊपर जाके, तो उससे आपके सर दर्द हो रहा है। अच्छा तो ये सब छोटी छोटी चीजें आएंगी, तो इसीलिए हाँ जब स्टार्ट करनी है, मैं फेज वाइज बता रही हूँ, पहले दिन आप सिर्फ आधे घंटे रखें, 2-3 दिन के बाद उसको 45 मिनट्स करें, हफ्ते 10 दिन के बाद उसको 1 घंटे पिलाएं, और जब आपके 15-20 दिन बीत जाए तब तो आपकी बॉडी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, अब आप अच्छा उसको 2 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं।
अच्छा, दिन में ऑफिस गोइंग लेडी है, फटाफट भागना है, नहीं हो पाएगा। रात को खाना खा लिया आपने 8 बजे, ठीक है, 10 बजे लगा के आप सो जाइए, रात पर। बिल्कुल पूरी रात सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अनलेस एंड अनटिल कि आपको सोने में डिस्कम्फर्ट हो रहा हो, तो आप नहीं तो उसको आप पूरी रात छोड़ सकते हैं, वो नुकसान कुछ नहीं करेगा। नेचुरोपैथी हमेशा फायदा देगी, नुकसान कभी नहीं देगी आपको। थोड़ा डाउट है मुझे, मतलब जैसे हाँ, रात को लगा के सो गए तो गीले में मतलब कुछ स्किन का कोई प्रॉब्लम नहीं मैंने क्या होगा, कहा आपको, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं कुछ होगा, नहीं तो ये क्या कुछ ये भी सिर्फ नहीं, मोटे लोगों को करना है या कोई भी करे इसको, ये लाइक मैंने कहा मतलब जिसको फैट। भी फीमेल को, जिसको भी जेनिटल इश्यूज हैं, पीसीओडी के प्रॉब्लम में, पीसीएस के, इरेगुलर मेंसेस के प्रॉब्लम में, मतलब कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप इस काम को कर सकते हैं। और बेली फैट को रिमूव करने में तो इसका चमत्कार है, अच्छा बेली फैट को ये रिमूव कर देगा, बहुत बढ़िया, देखा है रिजल्ट आपने, बिल्कुल देखा है। कितना कैसे देखा, आप कितना कितना नेचुरोपैथी से। सेंटर जाएंगे ना, हाँ किसी भी नेचुरोपैथी सेंटर में आपको ये लपेट फर्स्ट डे आपके हाथ में दिया जाएगा, अच्छा, पहला ट्रीटमेंट वहीं से शुरू होता है। क्यों? क्योंकि पेट जो है हमारा सारे रोगों की कूड़ा जड़। घर, हाँ कूड़ा घर, जो शहर का कूड़ा घर है वो हमारे अच्छा शरीर का कूड़ा घर है, यही है टॉक्सिन्स, ये कारण और ये हाँ उसका भुक्त। स्टोर स्टोरेज सारा उसको स्टोर कर तो अगर रहा हमने नेचुरोपैथी में क्या देते हैं, हम देखिए है। एनीमा दे रहे हैं, लपेट दे रहे हैं, पेट पर पट्टी दे रहे हैं, मतलब किसी भी बीमारी के लिए आप आइए, हम सबसे पहले आपके पेट को ही साफ पेट से करेंगे, टारगेट करेंगे, सही है, क्योंकि वो साफ तो आधी चीज़ें साफ। गुड। फास्टिंग क्यों करते हैं, इसको थोड़ा उपवास क्यों रेस्ट करते हैं, रेस्ट देने के लिए। हाँ और रेस्ट उसको मिल जाए। स्टॉप कर रहे हैं, स्टमक के फंक्शन को स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम को रोक रहे हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम को बढ़ावा दे रहे हैं, फास्टिंग का ये हमारा। अच्छा, आप देखिए फास्टिंग का भी क्या तरीका है, हमारे जब मौसम चेंज होता है, मैं देखती हूँ हर धर्म में ये जब ऋतु परिवर्तन हो रहा है, कुछ ना कुछ एक ऐसी हर धर्म में चीजें हैं जहां आपको खाना रोकना है। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा हाँ नहीं जानती सब धर्म के बारे में, हाँ लेकिन उन्होंने बट एक कल्चर की कोई तरह कल्चर से एक है। नेचुरोपैथी को बनाया कि नेचुरोपैथी के सिद्धांत हाँ को काम करे किसी भी बिल्कुल तरह से। बिल्कुल। तो हमने फास्टिंग का क्या मतलब है, मौसम बदल रहा है, फूड का पैटर्न चेंज हो रहा है, जो खाना उग रहा है उसका पैटर्न चेंज, बॉडी एकदम से अडॉप्ट नहीं करेगी। अभी आप यहाँ हीटर जला के आप कमरे में बैठे हैं, बाहर सर्दी है, एकदम से आप निकलेंगे तो आपको हाँ रिवर्स हो जाएगा बिल्कुल इफेक्ट। तो बिल्कुल, उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आप पहले हीटर काफी देर बंद करें, बंद करके थोड़ा सा अपने आप नॉर्मल को आने दीजिए। नॉर्मलाइज तो करें। यही होता है कि जब ऋतु परिवर्तन हो रहा है, हमारा खान पान चेंज हो रहा है, हमारा टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो बॉडी को हमको उसके हिसाब से तैयार करना पड़ता है, ठीक है ना। बिल्कुल 5 तत्व इस ब्रह्मांड के, 5 तत्व हमारे शरीर में बैलेंस हो गया, रोग आएगा ही नहीं, सही बात ठीक है। उपवास किया हमने, हमने है, आकाश तत्व को बढ़ा दिया, बिल्कुल। पानी पिया हमने, कॉन्स्टिपेशन है, जल तत्व को बढ़ा दो, अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी, 5 तत्व बाहर, मैंने यही कहा 5 तत्व, अगर हमने इसको उसके अकॉर्डिंग बैलेंस कर दिया, रोग तो हो ही नहीं सकता। क्या बात है, यही ऊपर नीचे होता है, वायु का प्रकोप बढ़ गया, आपकी अर्थराइटिस हो गई, सही बात है। आपके अग्नि का प्रकोप बढ़ गया, आपको तलवे में जलन हो रही है, मुंह में छाले हो रहे हैं, ये क्या है, अग्नि ही अच्छा तो बढ़ गया आपकी। अब खाते खाते आपने पानी पी लिया, हाँ जो जठराग्नि जल रही थी खाने को बुझा पचाने के, दिया, आपने उसको बुझा दिया। ठीक। कई चीजें रिलेटेड है, तो कुछ नहीं करना है, शरीर को समझना बहुत आसान है, बिल्कुल आप पुराने विधा पे लौट जाइए, सिर्फ याद कीजिए हमारी दादी नानी क्या करती थी, बड़ी गहराई थी उनकी छोटी छोटी सी बिल्कुल बातों में, है ना, बिल्कुल। छोटे छोटे से जो काम करते थे, अगर आप उनको ऑब्जर्व करेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग पुरानी चीज़ों को समझ पाएंगे कि वो कैसे एक साइंस थी उसके अंदर। बहुत बड़ी साइंस थी। अब उसको बच्चे पढ़ रहे हैं किताब में कि हाँ पृथ्वी पे नंगे पांव क्यों चलना चाहिए, उन्हें किसी ने नहीं सिखाया था, वो नंगे पांव ही चलते थे, क्यों, एक तो एक्यूप्रेशर होता था, दूसरा वो मिट्टी में जो गुड बैक्टीरिया है उसको आप अपने शरीर में जाने के लिए प्रमोट कर रहे हैं, अब हम बच्चे को कीचड़ में रोकते खेलने ही नहीं देते, नहीं रोकते दे थे। रहे, हाँ सिंपली मिट्टी में जूते मोजे पूरे हाँ टाइम पहना के, गुड हाँ बैक्टीरिया तो आया नहीं ना, सही जो बात आपके है। डिजीज के अगेंस्ट लड़ सकता था उसको आपने एंटर ही नहीं करने दिया है। सही बात है। तो पुराने प्रकृति की तरफ लौटें, क्या बात नेचुरोपैथी ये है, कहता सही है ना, है, रिटर्न टू द नेचर, गुड। तो बस। आज के सेशन में जैसे हमने सोचा था कि
फीमेल रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स को कवर करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम ज़्यादा डिटेल में तो हम नहीं जा पाए, बिल्कुल, लेकिन ओवरऑल समझ में आया कि फीमेल का ज़्यादातर प्रॉब्लम, और साइको प्रॉब्लम को आज हमने समझा कि साइको प्रॉब्लम से कैसे फीमेल ज़्यादा फिजिकली रिलेट हो रही हैं, और वो उनको एक काउंसलर की ज़्यादा ज़रूरत है, डॉक्टर से ज़्यादा एक काउंसलर चाहिए, बिल्कुल, है ना। तो वो काउंसल आप करती हैं उनको, तो वो काफ़ी ज़्यादा बीमारी तो उनकी वैसे ही ठीक हो जाती है, और बाकी बाहर नहीं जाना है, घर वाले काउंसलिंग कर सकते हैं, कहीं नहीं करते ना बात, तो ये तभी तो आपके पास वो आती है, तो इसलिए तो आप उनकी चाहती हैं, आप सबसे पहले उनके वो वाले पॉइंट्स पे बात करती हैं जो उनको लगता है कि भाई सच में उनकी बात सुनी जा रही है, तो काफ़ी हद तक तो हील वो वैसे ही होने लगती हैं। आपने बड़ी अच्छी अच्छी टिप्स हमें दिया आज कि भाई फीमेल अगर ये चीज़ें कर लें तो नेचुरोपैथी से घर में भी ठीक हो सकती हैं, जैसे योनि धूपन का आपने बताया, और भी हमने थेरेपी के बारे में सुना, जिनकी हमने एक्सप्लेनेशन तो भी पूरी तरह से हम अलग एपिसोड में आगे कवर करेंगे, जैसे भी हम नए सेशन होते हैं तो हम पर्टिकुलर एक सेशन ले लेंगे, नए सेशन में हम कोशिश करेंगे कि उनको और इलेबोरेट करके समझे उनका साइंस क्या है, उनका लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस और कर सकते हैं, कैसे वो अपने आप को बेटर रिकवर कर सकते हैं कि प्रॉब्लम हो ही ना, है ना। और जैसे आपने सब्स्टिट्यूट बताया कि आज के जनरेशन में जैसे यूथ है, यंग गर्ल्स हैं, तो वो इन चीज़ों को खाने से रुकती नहीं है, तो उसका भी सब्स्टिट्यूट आपने दिखाया कि प्रैक्टिकली आप इसको कर रही हैं, कैसे उसको एडजस्ट किया जा सकता है। स्ट्रिक्टली बोल देना किसी को ये मत खाओ, डॉक्टर के पास गए ये मत खाओ, वो एप्लीकेबल होता ही नहीं है, प्रैक्टिकली लोग उसको फॉलो ही नहीं करते, दो चार दिन फॉलो करेंगे तो थर्ड डे वो ब्रेन जो है ना हमारा, जब आप उसको स्ट्रिक्टली किसी चीज को मना करेंगे ना, वो ज्यादा करता है, बच्चे की तरह है, ज्यादा करता है। अगर आपने उसको नो कहा है फिर वो नहीं मानेगा, फिर वो जाएगा। हम किसी को नहीं कहते दारू मत पियो, मेरे पास लीवर खराब वाले आएंगे, हम उसको कहेंगे दारू मत पियो, वो अगले दिन 100% मेरे पास नहीं आएगा। अब मैं उसको क्या कहूंगी, दारू तो पियो जितना पी रहे हो, अच्छा, जितना पी रहे हो। उसकी वाइफ कहेगी दारू पहले, मुझे पता है ये बंदा, इतना तो सबको पता है दारू नुकसान है, नहीं छोड़ा है तो इसका क्या मतलब है, उसके कंट्रोल में है, तो पहले दिन नहीं करना है उसको अपनी बातों में, दारू पियो भैया। अच्छा, अगर आप एक पैग दारू ले रहे हो उसका 20 गुना आपको पानी लेना है, अच्छा, और उसका 10 गुना आप सैलड लोगे, इस प्रॉमिस पे आप ले लो दारू। अब क्या हुआ, दारू तो गया लेकिन वो पेट में जाके उसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई। अरे चाय की आदत, चाय पियो ठीक है, अच्छा जितना पी रहे हो पियो, क्योंकि मुझे पता है एक साल सप्ताह भर के बाद तो मैं इसको चेंज करूंगी, लेकिन आज मैं बोलूंगी तो कल नहीं आएगा, फिर इसकी वहीं का वहीं रह गई। सही बात है, चाय पियो, जितनी बार चाय पियो उसके पहले 2 गिलास पानी पी लो, स्टार्ट में यहाँ से कराती हूँ। क्या बात है, ठीक है, उदंड बच्चे को कंट्रोल ऐसे करना है। सही अब बात चाय है। गई अब वो एसिड नहीं बना पाएगी ज्यादा, क्यों, क्योंकि वो 2 गिलास पानी के साथ घुल गई। क्या बात है, बड़ा अच्छा साइंस है, बड़ा अच्छा टेक्नोलॉजी है आपका, एक अलग तरह का ट्रीटमेंट आप देती है। सो मुझे काफी मतलब ये सुन के बड़ा एक नया तरह का एक्सपीरियंस भी मिला कि नेचुरोपैथ में अपने आप में एक अलग ही, नेचुरोपैथी जो है अपने आप में एक अलग ही तरह का साइंस है जो कि हमारे नेचर से जोड़ता है, और पुराने टाइम की चीज़ें जो एक साइंस चीज़ में छुपा था, आज अगर उनकी छोटी छोटी बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम के हल उनमें छुपे हुए। बिल्कुल, थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर दिस पॉडकास्ट, थैंक यू फॉर दिस टाइमिंग, थैंक यू वेरी मच।